हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइज़, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हर बार के तरीके से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर के। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टेप बाई स्टेप देखिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आखिर में कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगे। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस, आज की जो ट्रिक है वो एंड्रॉयड सेटिंग्स के बारे में होने वाली है। आपको जो डायलर पैड होता है उससे रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को नंबर अगर किसी का याद होता है और नंबर आपके में सेव नहीं है तो जब कॉल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पूरा का सारा मतलब जो 10 डिजिट का नंबर होता है आपको यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद में आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो ये जो आज के वीडियो है इसमें आपको किसी का भी नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नंबर सेव है और आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है तो गाइस वो भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन को आपको दबाना है और जिसको चाहे तो कॉल उसी को चले जाएंगे। तो गाइस, उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ब्लॉग देखना पसंद है, मूवी शूटिंग लोकेशन देखना पसंद है रियल वाली, तो गाइस हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके विजिट करिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और लाइफ स्टाइल ब्लॉग अपने और मूवी शूटिंग लोकेशन लेके आता रहता हूँ। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़, जैसे कि हमको किसी का नंबर डायल करना है तो मैं सिंपली अपने डायल पैड पे चला जाता हूँ और जो भी नंबर हैं हमको यहाँ से अगर हम किसी को कॉल करनी हो तो या तो हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे उसके बाद में कॉल करेंगे, या तो फिर जो कांटेक्ट में होंगे हमारे यहाँ से हम सर्च करेंगे उनको। कुछ होते हैं ऐसे कि हमको कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, या कोई काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाई स्टेप तभी समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। ये ऐसे मैं वहाँ डायलर पैड ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे कोई भी नंबर मैंने ऑलरेडी पहले से सेट करके रखा हुआ है, जैसे मैं दो नंबर के बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लाइट मोड लगा के रखा हुआ है, फिर उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फ्लाइट मोड ऑफ हो गया, ये लगे। जैसे नंबर 3 को मैं लॉक, ठीक है। जैसे मैं नंबर 4 को ऐसे ही आप भी सेट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है कि हमको बार बार किसी का भी नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कोई भी नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं। तो वही कैसे करते हैं चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो वही आपको सिंपली सेटिंग में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे आपको नीचे के साइड मिल जाएगा एडवांस सेटिंग। तो एडवांस सेटिंग हमारे में दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो प्रेजेंट टाइप है फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा रेडमी नोट 9। तो अगर आप रेडमी नोट 9 के यूज़र हैं तो आपको सेम इसी तरीके के इंटरफेस मिलेगा और सारे के सारे इसी तरीके से फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा रिडायल का ऑप्शन होता है उसमें, सॉरी रिडायल नहीं है, क्विक डायल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैं एडवांस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको देखने के लिए। मैं सिंपली सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, जिससे क्विक डायल है, मैंने क्विक डायल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी यहाँ पे 1 2 3 मतलब जितना भी आपको 9 तक डायलर है पूरा शो हो रहा है। यहाँ पर आपको सेट कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी से, तो 6 नंबर मेरा खाली है, मैं 6 नंबर पर ऐड कर देता हूँ। जिस किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है आपको यहाँ से सिंपली ऐड कर देना है। यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट आपको लेना है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इस कॉन्टैक्ट को ऐड कर दिया, सचिन भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐड करने के बाद में बाहर आता हूँ और 6 को मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, कॉल जाने लगी। तो गाइस जी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।